अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाँ आ गई। हाँ अम्मी घर के करीब हूँ। तुम इतनी फिक्र मत करो अम्मी। हाँ ठीक है, जमाना खराब है पर मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ अम्मी। अल्लाह हाफिज। हेलो मैडम, सुनिए। हेलो मैडम सुनिए, मैडम सुनिए, हेलो मैडम सुनिए। क्या हो गया, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। हेलो मैडम, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। देख के अरे अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। वहाँ से देख रहा हूँ बच्ची कुछ छेड़ते आने से। नहीं नहीं अंकल, ये मेरे साथ ही है। आपके साथ है, ठीक है ठीक है। सॉरी बेटा। शुक्रिया अंकल। कहो क्या बात है। कुछ नहीं, बस 4 दिन पहले आपको देखा था, जब से आपको देखने के लिए हर रोज आ रहा। तो एक बात कहनी थी आपसे। क्या? आप बहुत खूबसूरत। मैं जानती हूँ। और कुछ कहना है तुम्हें? हाँ, वो जब से आपको देखा है मैं बहुत बेचैन सा हो गया हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया। 4 दिन पहले मुझे देखा और प्यार भी हो गया? प्यार होने के लिए तो एक लम्हा काफी है। फिल्मी डायलॉग छोड़ो और जो कहना है साफ साफ कहो। मगर सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मेरा यकीन करो। हर वक्त तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। मेरी मोहब्बत सच्ची है, चाहो तो किसी भी तरह से आजमा लो। मुझसे मोहब्बत होने की कोई खास वजह? मैंने कहा ना, तुम्हारी खूबसूरती मुझे भा गई है और मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया हूँ। मेरी खूबसूरती को छोड़ो, अगर तुम्हें खूबसूरती से इतनी ही मोहब्बत है तो पीछे मुड़कर देखो, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की तुम्हारे पीछे आ रही है। वहाँ तो कोई नहीं। जिसे सच्ची मोहब्बत होती है उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। दूसरा ऑप्शन हमेशा उसके पास होता है जिसके इरादे मजबूत नहीं होते। तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या करोगे? मेरे चेहरे पर तेजाब फेंकोगे? मेरा चेहरा बिगाड़ दोगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मगर मुझे ये हरगिज मंजूर नहीं कि मोहब्बत के नाम पर कोई इस तरह सरेआम मेरी इज्जत उछाले। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं भी शरीफ और इज्जतदार घराने से हूँ। कॉलेज जाने वाली लड़कियां भी तुम्हारी बहनों की तरह शरीफ और इज्जतदार होती हैं। आइंदा कभी उस गली से भी मत गुजरना जहां से मेरा आना जाना है, समझे? एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ उसके माँ बाप और घर वालों का पूरा भरोसा होता है। लड़कियां सोशल मीडिया पर हो या रास्ते में मनचले नौजवानों के बहकावे में ना आएं, क्योंकि लड़कियां अपनी इस्मत व इफ़त की हिफाजत खुद कर सकती हैं। बेटी का तहफ़्फ़ुज़, मजबूत माशरे की तश्कील।